अरे सर जी तो उधर के नाम ले लेना बना के उतराऊ मैं यार, चालू यार। अरे वो लड़का बीमार है, कितना दे दीजिए बताए। उतर के नाम लेते इतना ना छोड़ तो बेकार मतलब सर जी मजबूरी। क्या नाम है सर जी आपका? क्या नाम है आपका? नाम दिखाइए। नाम दिखाइए। देखिए किस प्रकार से यूपी पुलिस एमपी के लोगों को एमपी 17 नंबर को देख के लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ से जितने भी गाड़ियाँ निकल रही हैं एमपी 17 उनको रोका जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, उनसे 100 रुपए में छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। अभी मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ, कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगाया है, देखिए। लेकिन किस प्रकार से एमपी नंबर देख के यहाँ लोगों को परेशान किया जाता है एमपी के नंबर पे, ये सब आपको देखिए। एमपी का नंबर देखते ही गाड़ी रुकवा लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ कितने लोग यहाँ पे हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे यूपी 70 की गाड़ी है, सफारी लिए भैया है जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको परेशान नहीं किया जाता क्योंकि एमपी 70 का नंबर है। ये भाई साहब सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं लेकिन इनको परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी गाड़ी यूपी 70 है, लेकिन एमपी 70 नंबर देखते ही लोगों को परेशान किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस और यूपी पुलिस बैठी हुई है वो एमपी 17 नंबर देख के रीवा से या कि इलाहाबाद से बाहरी लोगों को कैसे परेशान करते हैं। 100-100 रुपए में गाड़ी छोड़ रहे हैं, 100-100 रुपए लेके ये इलाहाबाद को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, कोई भी व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, लेकिन यूपी पुलिस जिस प्रकार से 100-100 रुपए में लोगों को ठग रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी ये देखिए भाई साहब अभी 100 रुपए हमसे लेके मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिए लेकिन अब मेरा चलान बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे यूपी पुलिस है। अभी मैं आप ये इस वीडियो को मैं पूरा सोशल मीडिया में और ईटीवी न्यूज में मैं पब्लिश कर रहा हूँ। मैं सरकार से चाहूँगा कि इन पुलिस वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय अखिलेश